नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोगों ने देख ही लिया कि पृथ्वी ने बंदूक तान दी है सभी घर वालों के बीच में, लेकिन दोस्तों वहीं पे ही पृथ्वी की चालाकी पूरी तरीके से ख़त्म होने जा रही है और पृथ्वी का जो कि सच्चाई भी सभी लोगों के बीच में आ जाएगी। वहीं पर ही बात की जाए तो सैलन इस समय घर की काफ़ी ज्वेलरी लेकर फरार होने की फिराक में थी, लेकिन दोस्तों वो फरार नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कुंडली भाग्य में लगातार एक से बड़े एक ट्विस्ट, क्योंकि जहाँ पर अर्जुन लगातार रक्षा करता हुआ नजर आने वाला है, हालांकि पहले से ही गुंडों से भिड़ चुका है, यानी कि ऋषभ इसलिए भिड़ा है क्योंकि वो लोग लगातार अटैक पर अटैक कर रहे थे और वो घर में जितना भी सब कुछ है उसे ले जाने की फिराक में थे। तब तक तो शांत रहा ऋषभ, लेकिन दोस्तों जब उन्होंने ज़्यादा ही स्टार्ट किया उसके बाद में ऋषभ को गुस्सा आ गया। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपकमिंग न्यू एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषभ सभी की बैंड बजाता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि ऋषभ को आ चुका है इस समय गुस्सा और वो गुस्से में जब आता है तो वो किसी को भी छोड़ने वालों में से नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में वाकई में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां ऋषभ और ऋषभ के साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि अर्जुन भी उस चीज़ के खिलाफ नजर आएगा कि आखिर ये गुंडे भेजे किसने थे, जिसके बाद में वो सरदार जी के भेष में यानी कि पृथ्वी को पकड़ लेते हैं और पृथ्वी की सच्चाई सभी लोगों के बीच में आने जा रही है, जिसके बाद में ऋषभ बोलेगा कि इन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना ही चाहिए क्योंकि ये इस लायक ही हैं, जिसके बाद में कृतिका बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि इस गुंडे को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ऋषभ की बहन कृतिका भी बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि करण के जाने के बाद में सभी लोग पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। वहीं पे ही दोस्तों आप लोगों को जल्दी ही पता लग पाएगा कि आखिर सैलन और अर्जुन में एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।